दोस्तों राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है और राशन कार्ड में अब सभी राशन कार्ड धारकों को EKYC जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर कंप्लीट करना है। अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो आप EKYC पहले से आप करवा रखोगे और आप सोच रहे होगे कि हमें नहीं करवाना पड़ेगा तो दोबारा से करवाना है, और अगर आप नहीं करवाओगे ना तो आपको राशन मिलना भी बंद हो सकता है। तो कैसे करना है आप लोगों को राशन कार्ड में EKYC, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये वीडियो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जागरण का एक आर्टिकल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक लेटेस्ट अभी न्यूज़ है कि राशन कार्ड EKYC 1 जुलाई को बंद हो जाएगा। राशन कार्ड फटाफट करवा लें ये काम। यहाँ पे आप देख सकते हो अनाज भी नहीं मिलेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, राशन कार्ड में अंतिम प्रत्येक सदस्यों का EKYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लाभुकों को हर हाल में निर्धारित समय तक अपना EKYC करवाना होगा। ऐसा नहीं करवाने की स्थिति में संबंधित लाभुक का नाम हटाते हुए उन्हें खाद्यान्न के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। अंतिम तिथि 30 जून रखी गई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो चलिए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को अपना EKYC करना है या फिर EKYC हो चुका है या नहीं हुआ है उसे चेक करना है। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मेरा राशन करके ये एप्लीकेशन आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, इसे आप लोगों को इंस्टॉल करना है। इसका डायरेक्ट इंस्टॉल करने का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो इसे। उसके बाद सिंपली आप लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, यहाँ पे अलाउ कर देना है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है। मेरा राशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस प्रकार का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने इस एप्लीकेशन को ओपन हो जाएगा। मेरा राशन डिपार्टमेंट ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेनू में आप लोगों को देखने को मिल रहा है पंजीकरण, लाभ की जानकारी, आसपास की राशन की दुकान, ठीक है। यहाँ से आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो राशन से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को क्या करना है, आधार सीडिंग का जो ऑप्शन दिया गया है इसी पर आपको क्लिक करना है। आधार सीडिंग के ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ें देखने को मिलती है ऑप्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो राशन कार्ड नंबर, आधार संख्या। तो हम यहाँ पे राशन कार्ड नंबर सबसे पहले डालेंगे। आपके राशन कार्ड का जो नंबर है आपके राशन कार्ड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप आधार नंबर से चेक करना चाहते हो तो आधार नंबर पर आप टिक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे राशन कार्ड नंबर से चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपली जो है ना अपना राशन कार्ड नंबर डालेंगे, इसके बाद सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले आपका जो भी राज्य है वो आ जाएगा, मतलब कि आपका जो स्टेट है, इसके बाद आपका जो जिला है, इसके अलावा राशन कार्ड नंबर, दुकान संख्या, और यहाँ पे सारे सदस्यों का नेम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, और उनके जस्ट आगे आप लोगों को देखने को मिल जा रहेगा आधार सीडिंग, ठीक है। और आधार सीडिंग में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सभी जगह पे यस 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 चारों मेंबर के सामने में यस लगा हुआ है, मतलब आधार सीडिंग इसका कंप्लीट है। देखिए अगर यहाँ पे नो होता ना तो आधार सीडिंग नहीं हुआ होता। आधार सीडिंग नहीं हुआ होता इसका मतलब ये है कि उस मेंबर को जो है ना अपना EKYC करवाना जरूरी है था। यहाँ पे यस है सभी मेंबर्स में, अगर आप लोग ऐसे चेक कर लेना, अगर सभी मेंबर्स में यहाँ पे यस लगा हुआ है आधार सीडिंग में, तो आपको आधार सीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, KYC करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी मेंबर के सामने में अगर नो लिखा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे जो है ना उस मेंबर का EKYC करवाना जरूरी है। अगर यहाँ पे नो लिखा है आप लोगों के राशन कार्ड में, अगर आप ऐसे चेक करते हो, तो किस प्रकार से आप लोगों को जो है ना यहाँ पे आधार सेटिंग या कहें EKYC कंप्लीट करना है, चलिए ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों राशन कार्ड पे EKYC करने का क्या प्रोसेस है। देखिए राशन कार्ड में EKYC आपको कराना है तो अगर आप जो है ना एक ऐसे स्टेट से आते हो जहाँ पे ऑनलाइन ये EKYC नहीं होता है, तो ऑफलाइन किस प्रकार से होता है सबसे पहले बता देता हूँ मैं। देखिए आप जहाँ पे राशन लेने जाते हो, जिसे PDS गोदाम कहा जाता है, वहाँ पे आपको एक डीलर मिलता है या कहीं सेल्समैन, उससे बात करके आपने जो प्रोसेस मैंने बताया उसे तो आप चेक कर लेंगे कि आपका जो आधार सीडिंग है या कहें EKYC सभी मेंबर्स का हुआ है नहीं हुआ है। सभी मेंबर के सामने में अगर यस लगा हुआ है तो यहाँ पर आधार सीडिंग या फिर कहें KYC हो चुका है। अगर नो लिखा हुआ है तो आप जो है सेल्समैन को जाकर बता सकते हो, उस डीलर को जाकर बता सकते हो कि ये मेंबर है और इसका जो है आधार सीडिंग या कहें KYC नहीं हुआ है, तो वो जो है ना फटाफट से वहाँ पे KYC कर देगा। और अगर हम बात करें कि जिस स्टेट में अभी ऑनलाइन आधार सीडिंग हो जाता है, वो आधार सीडिंग जो है या कहें KYC ऑनलाइन ही कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ऑफलाइन ही ये काम किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।